पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ अपनी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए भाजपा पर इल्जाम लगा रहे हैं। सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या जाने कि गरीब के घर में संबल योजना से क्या फायदा हुआ था। कमलनाथ को अपने ऐशो आराम के लिए विमान खरीदने के लिए पैसे हैं, मुख्यमंत्री निवास पर करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए पैसे हैं, पर कांग्रेस और कमलनाथ सरकार को गरीब की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ सरकार अपने नाकामी छुपाने के लिए भाजपा को दोष दे रही है। कांग्रेस कहती है कि संबल योजना में 56 लाख लोगों ने फर्जी तरीके से लाभ लिया, पर कमलनाथ सरकार ये बताए कि और भी लोग जिनको इस योजना से लाभ मिल रहा था, सरकार ने उनको क्या दिया। सरकार ने प्रदेशवासियों को कोई लाभ नहीं दिया, किसी को भी किसी योजना में 100 रुपए तक नहीं दिए गए। देखिए, ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए नित नए इल्जाम भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकार पर लगाते हैं। कांग्रेस खुद तो कुछ कर नहीं पा रही और संबल योजना में कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो गया, 56 लाख गलत लोग हैं, तो 44 लाख बचे हुए को तो आप फायदा दे दें। आपने एक भी व्यक्ति को क्या 100 रुपए का बिजली का बिल दिया? क्या आपने एक भी परिवार में इलाज करवाया? क्या आपने एक भी परिवार के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई? क्या 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए जो मृत्यु पर मिलने थे वो दिए? केवल और केवल अपनी नाकामी छुपाना और उसके माध्यम से अपने को बचाना, ये इनकी आदत है। कांग्रेस की सरकार कोई गरीब का साथ नहीं देना चाहती, सेठों की सरकार में यही होता है। कमलनाथ जी क्या जाने कि संबल योजना से किसी गरीब के घर में क्या कुछ हुआ था। उनको तो केवल अपने ऐशो आराम के लिए हवाई जहाज खरीदना, उसके पैसे हैं। मुख्यमंत्री निवास में करोड़ों रुपए, मंत्रियों के निवास में करोड़ों रुपए लगा दिए, उसके लिए पैसे हैं, पर गरीब के घर में उजाला आएगा तो उनको क्या मतलब उससे। सारंग ने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ क्या जाने गरीबों की परेशानी। कमलनाथ के पास ऐशो आराम करने के लिए विमान खरीदने के पैसे हैं, पर गरीब को देने के लिए नहीं। कमलनाथ और उनके मंत्रियों के बंगलों में करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए और कह रहे हैं कि पैसे नहीं है। सरकार ने ना तो शिक्षा के लिए एक पैसा दिया, ना ही किसी भी परिवार का इलाज करवाया है। कमलनाथ को गरीब के घर में उजाले से कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।